आपके जो अपने घर में आप लोग फील करते हैं और ऐसे हैं, तो मुझे अपने घर के हवाले से बताइएगा, आप लोग कब से इस घर में रह रहे हैं? तकरीबन हम तो पैदाइशी हमारी इस घर में हुई और आज माशाल्लाह मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए मेरे। हमारे साथ ये हुआ था कि कभी उन्होंने हमें किसी, जो हमारे साथ रहते थे ना, उन्होंने हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। वो हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे वो एक हमारी फैमिली है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो अम्मी थी वो फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनको ना ऐसा कुछ फील हुआ कि उनके बराबर में कोई चीज़ ना एक लंबी सी खड़ी हुई है। जब नमाज वगैरह से अम्मी फारिग हुई तो अम्मी ने इस तरीके से जो गर्दन घुमा के, मुंह घुमा के देखा तो हद नज़र बस वो एक वाइट चीज़ नज़र आ रही थी और ऊपर देखती जा रही थी। तो ऐसा नहीं था कि छत होती है, फ़ैन होता है, लेकिन बट कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वही वाइट वाइट से गुआ कह लें आप, पता नहीं एक रोशनी थी, वाइट क्या चीज़ थी वो नज़र आती थी। फिर उसके बाद अच्छा, अम्मी जो हमारी थोड़ी बोल्ड है, हम तो छोटे छोटे थे, डर भी जाते थे, लेकिन हमें नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर अम्मी अब्बू ऑफिस से आए तो अम्मी ने अब्बू से इस बारे में डिस्कशन की कि भाई मुझे आज ऐसे ऐसे फील हुआ है। तो अब्बू ने कहा कि कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ नहीं। अम्मी ने कहा नहीं नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं डर रही हूँ कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, और बच्चियों का भी साथ है और इस तरीके से बच्चियाँ बाल वगैरह भी खोले रहती हैं। कहते हैं ना कि बाल वगैरह नहीं खोलें, खुशबू ना लगाएं ज़्यादा, फूलों का इस्तेमाल ना करें, और हमारी तो वैसे भी ज़रा कुंवारी लड़कियों को एहतियाती करवाई जाती है। तो अब्बू ने कहा अल्लाह मालिक है, अब ये तो नहीं है ना कि हम अपना यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चले जाएँ, घर है, डेफिनेटली बच्चे हैं, मैं यहाँ से कैसे यहाँ से जाऊँगा। तो फिर हम रहते रहे। फिर एक दिन अम्मी हमारी दोबारा, अच्छा ये चीज़ जो ज़्यादातर अम्मी को फील होती थी ना, तो ये नमाज के फजर के बाद होती थी जब हम लोग सब सो रहे होते थे। तो एक दिन अम्मी नमाज़ पढ़ के जब उठी तो अम्मी को कहा कि, जब अम्मी रूम से बाहर निकलने लगी, कहा गया कि आप यहाँ रुक जाओ और ना बात सुनो। अम्मी ने कहा कि जैसे चारों तरफ नज़र घुमाई तो कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन अम्मी फिर रुक गई। तो कहा कि भाई परेशान नहीं हो, किस चीज़ से डर रहे हो, किस चीज़ की परेशानी है तुम लोगों को, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अम्मी ने कहा कौन है आप, क्या है? बस हम हैं आपके साथ, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी जब तक हम हैं। आपकी बच्चियों का साथ है, बेटियां हैं, वो भी एक तरीके से आप समझें कि हर लेवल से ना सिक्योर हैं। आप इनको कॉलेज भेजें, स्कूल जा रही हैं, हम इनके साथ जाते हैं, हम आते हैं। अम्मी से उन्होंने ये बात की ना, अच्छा तो है कि ये बच्चियाँ, अगर आप उनको स्कूल भेजी तो उनके साथ जा रहे हैं, बच्चियाँ प्रोटेक्टेड हैं, हम जा रहे हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं, सिक्योर हैं, सिक्योर हैं। मतलब उनका ये कहना था, जब मेरी बड़ी बहन कॉलेज गोइंग थी तो उनका ये कहना था कि अगर बच्ची आपकी 1000% में भी है ना, तो आप टेंशन फ्री रहें, आप अपने घर में रहें, हम हैं, जब तक ये कॉलेज से वापस नहीं आ जाती हम इसके साथ ही हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब हम, अच्छा मेरे जो वालिद साहब थे वो ऑफिस चले गए, अम्मी ने कहा चलो आज मैं नानी के ले जाती हूँ, छोटे छोटे ही थे, स्कूल गोइंग थे, हम लोग नानी के चले गए। अब नानी के हम रात में जब शाम में वापस आए, आई थिंक 8-9 बजे का टाइम था, हम लोग आए तो हमने जब अपना गेट वेट खोला तो हमारा बेडरूम में वॉशरूम, अटैच वॉशरूम था हमारा, तो हमने देखा तो बकेट्स, बाल्टी और मग्गा, दो चीज़ें हमारे रूम में रखी हुई। अब हम परेशान अम्मी से भी कह रहे हैं, अम्मी हमसे कह रही हैं कि ये किसने रखा, किसने किया। अम्मी जाते जाते पूरा घर समेट के गए, हर चीज तरीके से, कमरे के अंदर पानी, अच्छा बाल्टी खाली थी, खाली 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 बाल्टी थी, बाल्टी और मग्गा दोनों चीज़ें। अम्मी ने कहा अच्छा, जब हम तो छोटे छोटे थे हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कोई रहते हैं या कुछ ऐसा मामलात हैं। अम्मी ने कहा शोर क्यों मचा रही हो, अगर कोई भी चीज़ है तो रख दी होगी, चलो किसी ने भी रख दी होगी, छोटे भाई बहनों ने। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने रखी है और मुझे याद है। मेरी बड़ी वाली बहन भी कहने लगी नहीं नहीं अम्मी, हर चीज़ हम ओके करके गए और आए तो हमें इस तरह मिल रहा है घर। तो अम्मी ने कहा अच्छा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, हटो तुम लोग, मैं रख देती हूँ। ये रख दी, ये बात भी आई गई हो गई अम्मी ने। अच्छा अम्मी को तो पता ही था, अम्मी हमें नहीं बताती थी, अम्मी अब्बू को पता था कि बच्चे हैं, डर जाएंगे, कि रहेंगे नहीं, कि चलें आप घर छोड़ दें, तो इस वजह से। और सम टाइम ऐसा होता था कि जैसे अब्बू ऑफिस से आके अपनी चाबियां वगैरह रख देते थे या कोई भी चीज़ रख देते थे, तो कुछ टाइम के लिए वो चीज़ गायब हो जाती थी। अच्छा ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, लोहे की चाबियां गायब हो जाती हैं मेरे घर में, बहुत ये बहुत। और हम, मेरे अबू, हम अबू से कहते थे अबू हमारे घर में जिन है, अबू कहते नहीं जिन नहीं है, तुम लोग ही होते तुम और बाकी। लेकिन ऐसा हो, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। खैर, क्या ये सिर्फ जिन्नात ही हैं या ये अल्लाह की दूसरी मखलूक, जिसमें हम हवाई मखलूक भी कहते हैं, वो भी, जैसे हिना ने भी कहा कि मैंने फ़ील किया कि वो रूह थी, वो कोई जिन नहीं थे, क्या ऐसा ही है? बहुत सारी जगहों पे अच्छे लोग होते हैं, बहुत सारी जगह घर तो अच्छे थे,
बुरे लोग भी होते हैं, और फिर किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ करना चाहिए, कोई अगर घर में एंटर हो रहे हो, किसी घर जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, ये चेक करने के लिए कोई होना तो क्या करना चाहिए। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमें एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तमाम से लोगों को सुबह के समय में खुश आमदीद कहती हूँ, और किससे कहानियाँ तो देखिए हम जिन्नात की बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें पता नहीं होता कि क्या ये सच में जिन्नात ही हैं या ये दूसरी हवाई मखलूक भी हैं, ये रूहें हैं, ये कौन है। और अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारा फ़ौरन हार्ट बीट तेज़ हो जाए और हमें खौफ सा आने लग जाए, तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। वेस्ट में तो आप जाएँ क्योंकि वहाँ तो पाकी नापाकी का आपको पता है कि बहुत सा ऐसा मसले मसाले इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा फील करते हैं। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शिकायत करते हैं कि अगर ऐसे शरारती इंसान है तो शरारती जन्नात भी हैं, तो फिर वो उनसे रहनुमाई भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और मैं खुश आमदीद कहती हूँ आपको। अच्छा वसीम, सबसे पहले मुझे बताएँ हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, और क्या सिर्फ और सिर्फ जन्नात ही हैं क्योंकि हमने सूरज जिन के हवाले से ही पढ़ा है, या फिर हवाई मखलूक दूसरी भी होती हैं और ये रूहें भी भटकती हुई रूहें भी हमें तंग कर सकती हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंसानों के अलावा भी दीगर मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं, और उनका अपना एक वजूद है और उनकी एक हकीकत है, और इतनी कसरत के साथ इनके वाक़ियात का हम मुशाहिदा करते हैं ज़िंदगी में, तसलसल से देखते हैं कि जिसकी हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं बाज़ दफ़ा, जैसे कि आपने कहा भी कि हमें कैसे पता चले कि ये जिन्नात में से कोई चीज़ है, ये कोई बदरू है, कोई हवाई मखलूक है, तो देखिए इसकी पहचान आम लोगों के लिए तो मुश्किल है क्योंकि वो इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा समझ लें कि आला हो, कोई ऐसी डिवाइस हो, या उनके पास कोई भी ऐसा मयार कायम हो जिससे वो पहचान सकें, तो ये आम लोगों की पहचान में तो नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके साथ जो भी मसाइल पैदा होंगे उन्हें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कोई चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है या मेरे साथ कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा जो इस फील्ड के माहिरीन हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इस पर काम करते हैं रूहानियत के हवाले से, मेरी मुराद वो लोग नहीं हैं जो इसके ऊपर बाकायदा एक कारोबारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आमिल और इस तरह के लोग, वो नहीं। अच्छा, मेरी मुराद आमिल अमियात कर रहे थे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि वो लोग जो हम देख रहे होते हैं कि आप कराची में निकल भी जाएँ, कराची में लाहौर में आप निकल जाएँ, आप देखें बहुत सारी दीवारों पर लिखा होता है कि फ़लाना बाबा फ़लानी, वो जो हम काला जादू कर रहे थे, क्या वाकई इनकी गिरफ्त में कोई जिन्नात होते हैं? जी देखें, पहली बात तो ये समझें कि आया जिन्नात को तस्खीर करना मुमकिन है कि नहीं, कि किसी के काबू में आ सकते हैं कि नहीं, ये तो हकीकत है आ सकते हैं क्योंकि हमें कुरान और अहादीस में बहुत सारी नुसूस मिलती हैं जिनमें ये रिवायात मौजूद है। मसलन आप देखें बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये जिन्नात पहले आसमानों पर जाते थे, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे होते थे और कायनात से मुतालिक जो तदाबीर वो सुन लिया करते थे। अच्छा, फिर क्या करते थे, सुनने के बाद आते थे जो काहिन होते थे उस ज़माने के जादूगर, उन्हें बता देते थे। तो हदीस पाक से पता चला कि किसी चीज़ को जिन्नात में से अपने पास मुसख़र कर लेना ये मुमकिनात में से, ये तो हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है कि ये जो जादूगर लोग हैं आमिलीन जो इस तरह करते हैं वो तो बिल्कुल गलत है, इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है कि आप जादू या किसी गलत तरीके से अमलियात करें। करना मतलब जादू होता है और लेकिन करने वाला काफिर है। जी बिल्कुल, वो गलत है। अलबत्त